खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष की ओर से वर्मी कंपोस्ट और गोबर चोरी का मामला सदन में उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भाटापारा से विधायक शिवरतन शर्मा ने इस पूरे मामले में सरकार पर गोबर योजना पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। वहीं पूरे मामले पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब देते हुए कहा कि कई गौठान समितियों में गोबर चोरी होने और पानी के बह जाने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई की गई है। साथ ही सदन में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा में विपक्ष की ओर से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कर्ज में डूबे मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की योजना कैसे और किस आधार पर बन गई, जिस मेडिकल कॉलेज पर धोखाधड़ी के आरोप हैं और अब तक कई बार बिक चुका है। कॉलेज के मामला न्यायालय में लंबित है, एमसीआई ने भी इस विवादित कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी है। पूरक प्रश्न में ये पूछा था जी कि आपने स्वीकार किया है कि 4 जिलों में गोबर बह गया और चोरी हुआ, इनको सुरक्षित रखने की जवाबदारी किसकी है, जिनको जवाबदारी दी गई है उसकी नियुक्ति का आधार क्या है और क्या नियमानुसार ये नियुक्तियां हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि गौठान पंचायतों की संपत्ति है और स्वाभाविक रूप से पंचायतों की संपत्ति है तो सुरक्षित रखने की जवाबदारी भी पंचायतों की है, पर गौठान समितियां जो गठित हुई है वो पंचायत के माध्यम से नहीं हुई है। गौठान समितियों को प्रभारी मंत्री ने घोषित किया है। नियम ये बनाए गए थे कि पंचायत 50 लोगों का नाम का अनुमोदन करके भेजेगी, उस 50 में 11 से 14 लोगों की गौठान समिति बनेगी। ड्रिप प्रोजेक्ट गोधन न्याय योजना और गोधन योजना में जिस प्रकार से प्रदेश में आज गौठान की हालत है और जो गोबर की स्थिति है कि सरकार संभाल नहीं पा रही है, गोबर बहने लगा है, गोबर चोरी होने लगी, वास्तविक में ये तो बता दिए मंत्री जी, लेकिन मूल उसके पीछे है कि जैसे दूध में चंडी का जो बंधा रहता है ना कि इतना लिखते जाओ, गोबर आए कि ना आए और उसको लिखते जाओ। जून महीने की घटना है और जून महीने में या 1 जुलाई में कहां से बारिश इतनी हो गई कि बिलासपुर में